जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरा भी आएगा, इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो, यही आपके हाथ में है। आइए हम आपको उसी पर एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, भगवान भक्त की। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गाँव में रहते थे। जंगल काफ़ी घना हिंसक जानवरों से भरा था। कृष्णा गुरुकुल पहुँचेगा कैसे, यही सोचते दादी लौट रही थी, साथ में कृष्णा भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय का रास्ता दिखाती समझाती आई। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था। दूसरी बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुँचे। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्णा को कहा, अगर रास्ते में उसे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, ये गोपाल कौन है माँ? तो दादी ने कहा कि यह गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है, सहायता के लिए पुकारने पर तुरंत आ जाता है। कृष्णा खुश हो गया, उसका रिश्ते का भाई भी है जो सहायता को आ जाएगा। कृष्णा जंगल में दादी के बताए रास्ते पर बढ़ने लगा, पर आज अकेला था, उसे डर लगने लगा। डर में उसने पुकार लिया, गोपाल भैया तुम कहाँ हो, मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी ही आवाज़ गूंज गई। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा ने फिर पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है, आओ, दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक कृष्णा की आवाज में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। कृष्णा को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। सहसा कृष्णा ने देखा, जो जंगल अभी तक डरावना लग रहा था अचानक मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाज़ें बंद हो गई, उनकी जगह गायों की रभाने और पशुओं के इलकने की आवाज़ आने लगी। बालक कृष्णा ने देखा, दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। बालक कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसका भैया गोपाल है। आनंद कंद भगवान अपने गोपाल स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित थे, क्योंकि ये बालक कृष्णा के विश्वास की पुकार थी, उसकी दादी की कृष्ण भक्त की परीक्षा थी। बालक कृष्ण दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और उन्हें देखता रह गया। माथे पर मोर मुकुट, पीले रंग की धोती, कंधे पर कमली और हाथों में हरे बांस की मधुर बांसुरी, सभी भुवनों में प्रकाशित वो दिव्य स्वरूप बालक कृष्णा की भोली पुकार पर सम्मुख। कृष्णा ने अधिकार पूर्वक गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल हंसे, उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे किसी अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। वह बोले, छोटे भैया मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कृष्णा को जंगल पार कराया। कृष्णा ने कहा, आप मेरे बड़े भैया हैं, छोटे भैया की सहायता को शाम को भी आ जाना, बिना पुकारे आप मुझसे प्रेम करते हो तो जरूर आओगे। लीलाधारी ने चिर परिचित मुस्कान बिखेरी, उनके मुस्कुराने से जंगल में मंगल हो गया। फिर वह बोले, कृष्णा तुम अपने सारे भय त्याग दो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कृष्णा खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की, लौट कर देखा तो जंगल के मुहाने पर गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैया और बछड़े भी थे। बालक कृष्णा अपनी सारी थकान भूल गया।
और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गए। गोपाल भैया मुरली बजाते हुए उस जंगल के दूसरे मुहाने तक छोड़ आए। रास्ते में गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताजा ताजा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्णा को आते देखा तो जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने सारी कहानी बताई। दादी को लगा कि किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती थी स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। यह रोज का नियम हो गया। कृष्णा को गोपाल भैया विश्वास विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ा करते थे। एक बार विद्यालय में गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी बच्चों ने तय किया कि वे अपने अपने योगदान से गुरुजी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यहीं पर भोजन बनाया जाएगा। कृष्णा ने गोपाल भैया को भी जन्मोत्सव की बात बताई। भगवान ने भी कृष्णा के उत्साह को देखकर खुशी जताई। कृष्णा ने दादी से उत्सव के लिए पैसे या कुछ सामान देने की बात कही तो दादी ने बता दिया कि उनके पास कुछ भी नहीं है जो दे सके। आस पड़ोस की दया से तो दोनों पल रहे हैं। अगले दिन कृष्णा भारी मन से विद्यालय को चला। वह जाना नहीं चाहता था लेकिन जन्मोत्सव में पहुंचना जरूरी था। रास्ते में गोपाल भैया मिले लेकिन उन्हें देखकर कृष्णा ने रोज की तरह कोई खुशी नहीं जाहिर। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने भोले बनकर कृष्णा से पूछा, छोटे भैया तुम दुखी क्यों हो? तो कृष्णा ने अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू भर आए। भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की लुटिया में दूध भरा और गोपाल को दे दिया। गोपाल खुश हो गया कि चलो आखिर उसके पास कोई न कोई उपहार तो है। आखिर उसे खाली हाथ तो विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया में दूध देखकर हंसी। गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया एक तरफ रख दी थी और बाकी के कामों में फंसकर उसके बारे में भूल गई। कृष्णा जानना चाह रहा था कि उसके उपहार का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वह बार बार झांक कर देखता कि दूध कहाँ रखा है, क्या इसे गुरुजी पिएंगे या किसी और काम में आएगा। गुरु माता से भोलेपन में उसने यह बात कही। कई बार पूछ भी ली। इससे नाराज होकर गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया उठाई और खीर के बर्तन में पलट दी। सोचा कि लुटिया अभी खाली हो जाएगी तो उठाकर दूध फेंक दूंगी। कृष्णा को भी ये संतोष हो जाएगा कि उसकी दूध की लुटिया का इस्तेमाल खीर बनाने में हो गया है। लेकिन ये क्या, लुटिया में भरा हुआ दूध खाली ही नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराहट में चीख कर गुरु जी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए। उन्होंने देखा कि दूध की लुटिया ज्यों की त्यों भरी हुई है। उसे बार बार अलग अलग बर्तनों में उड़ेला जाता पर वह खाली ही नहीं होती। उसके दूध से एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन भर गए। अब तो बर्तन बचे भी नहीं थे। जिसने देखा वही हैरान कि आखिर यह क्या हो रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं। कुछ भय भी हुआ। गुरुजी ने कृष्णा से इसके बारे में पूछा तो उसने गोपाल भैया की सारी कहानी सुना दी। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे, वह तुरंत समझ गए कि ये लीलाधारी की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। बालक कृष्णा ने संध्या काल में लौटते समय गोपाल भैया से अनुरोध किया कि वह गुरुजी और बाकी शिष्यों को भी दर्शन दे, लेकिन भगवान ने उन्हें इस स्वरूप में दर्शन देने से इनकार कर दिया और दूर से ज्योत रूप में दर्शन दिए, जिससे कृष्णा
सभी साथियों सहित गुरु जी का जीवन धन्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो जय श्री राधे जय राधे राधे, राधे।